राम राम शबनम। मैं पिंक के किनारा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा फिलहाल गांव प्रभुवाड़ा में मौजूद हैं और यहां पर आज ब्लड डोनेशन कैंप की जो कैंप लगाया गया था, किस याद में लगाया गया था, किस लिए, किस संगठन के नेतृत्व में लगाया गया, क्यों लगाया गया है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका परिचय? जी मैं योगेश शर्मा जी। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, किस याद में लगाया गया? हमारे गाँव के युवा साथी जो असमय ही हमें छोड़कर चले गए, उनकी याद में ये टीम है हमारी, मेरा गांव मेरी पहचान के नाम से, मेरा गांव मेरी पहचान कमेटी प्रभुवाला, ये युवा साथी उसके कर्णधार हैं जी। हम जैसे साथियों को, मार्गदर्शकों को कुछ समय के लिए साथ जोड़ लेते हैं, अलग बात है सारा काम यही युवा साथी कर रहे हैं। तो अपने उन भाइयों की याद में कि उनकी वो स्मृति लोगों के जहन में जिंदा रहे, उनका नाम समाज में जिंदा रहे, उसका एक प्रयास किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को उन्होंने इसके लिए चुना है। पिछले वर्ष भी ये शिविर लगाया गया था, अब की बार ये दूसरा साल है, लगातार ये दूसरा शिविर है। अगर बात करें कितनी यूनिट दान की गई है आज ब्लड? आज ब्लड ग्रुप के अंदर यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में 48 यूनिट हमने एकत्र की हैं। इसका एक कारण और भी है प्रभुवाला, अगर आप ये लगाएं कि रक्तदान शिविर का हब बनता जा रहा है, पिछले साल जो हमने शिविर लगाया था इसी दिन और आज, इसके बीच में 4 शिविर हम और लगा चुके हैं, अदरवाइज ये जो संख्या है 100 या 125 के पार होती जी। फिलहाल अगर बात करें जो युवा है आज का, वो नशे की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए आप अगर कुछ समय पहले यहाँ कार्यक्रम के बीच में जब यहाँ पर वक्तव्य दिया गया, वक्ता बोले जी। हमारे साथियों की जो एक आवाज़ है गांव के लिए, एक संदेश है, हमारे चेयरमैन और सरपंच महोदय यहाँ बैठे थे, उनसे भी यही आह्वान किया गया था कि नशे से मोड़कर हमारी युवा पीढ़ी हमारे भविष्य को किस तरह से हम खेलों की तरफ, पढ़ाई की तरफ ला सकें, ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो, देश का भविष्य बर्बाद ना हो। मेरा गांव मेरी पहचान कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज सेवा के साथ साथ प्रभुवाला को और आसपास के क्षेत्र को नशे से मुक्त करना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा नाम रामपाल है और मैं गाँव प्रभुवाला से और मेरा गाँव मेरी पहचान कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। और आज हमने जो एक 18 जून 2023 को हमारे गांव के कुछ युवा साथी जो हमें छोड़ के चले गए थे उनकी याद में, और हमारी नारी शक्ति झांसी की रानी के बलिदान दिवस के ऊपर भी हमने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, और इस कैंप के माध्यम से हम युवा साथी और हमारी टीम का एक संदेश है कि हम जो झांसी की रानी ने जो अपनी जान की आहुति देकर अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा की थी, तो वो एक परिचय हम देना चाहते हैं कि हम अपने गांव में योगदान करते रहेंगे, जितना हो सकेगा हमें तन मन धन से जितना हमारा सहयोग होगा गांव को एक सुंदर पहचान देने के लिए, जिसमें जितनी भी बुराइयां, जो चाहे नशा के बुराई है, चाहे शिक्षा में कोई कमी है, चाहे सफाई के अंदर कोई कमी है, किसी भी प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। आज के युवा को नशे से दूर करने के लिए मेन कदम क्या उठाया जाना चाहिए? आज के युवा को, सभी युवा को नशों से दूर करने के लिए हमारी कमेटी ने बहुत ही अच्छी पहल कर दी है। जब हमने कमेटी का गठन किया है उसी समय से हमने सभी गांव वासियों के मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर हमने मौजूदा जो नव निर्वाचित पंचायत है उसको हमने लिखित में ज्ञापन सौंपा है, और अभी पीछे हमारे गाँव में बहन कुमारी शैलजा जी का भी आना हुआ था, तो हमारी टीम ने उनको भी नशा मुक्ति के लिए जो ग्राम पंचायत को ज्ञापन दिया था, एक ज्ञापन उनसे भी हमने अपील की है कि हमारे गांव के अंदर नशा बिक्री के अंदर पाबंदी कर दी जाए। तो इसलिए हमारा ये पहला कदम हमने उठा दिया है, और अब हम इस नशा मुक्ति अभियान के अंदर पूरी टीम अंत तक, जब तक हमारे गाँव में नशा मुक्ति अभियान, नशे की बिक्री बंद ना हो जाए, हम पूरा लगन से इसमें लगे रहेंगे और हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। तो आप लोगों ने देखा गांव प्रभुवाला ने एक नई शुरुआत करी है, आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या कहना है? इस शुरुआत को आप अपने हर गांव में अगर लेके चलते हैं तो नशा मुक्ति देश जो है बनाया जा सकता है, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।